वालेकुम दोस्तों, आज हम स्पेशल फ्रूट चाट बना रहे हैं जो कि बना रहे हैं कॉर्नफ्लावर के साथ। चलिए आपको तमाम उसके अज्जा बता देते हैं, जितने भी फ्रूट वगैरह इसमें डालेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक दर्जन केले हैं, 1 किलो खरबूजा है और 1 किलो ही चीकू है। ये मैंने धो के रख लिया है, अब तमाम फ्रूट्स को काटूँगी। इसमें जाएगी चीनी और ये है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1/2 लीटर दूध है जो कि मैंने बॉयल कर लिया है। दूध बॉईल होते ही इसमें हम सबसे पहले शामिल कर देंगे, ये देखिए, 4 टेबल स्पून चीनी। ठीक है, जिसको ज़्यादा चीनी चाहिए वो ज़्यादा डाल ले, जिसको कम चाहिए वो कम चाहिए डाल ले। ठीक है, मैं नॉर्मल रखती हूँ, बहुत मीठा भी नहीं, बिल्कुल फीका भी नहीं, बिल्कुल अच्छा प्यारा मीठा, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, चीनी हल हो जाएगी। इसके साथ ही हम सबसे पहले दूध में कॉर्नफ्लावर शामिल कर लेंगे ताकि इसको ठंडा होने फ्रीज में रख देंगे, फिर आगे तमाम फ्रूट्स काटेंगे और फ्रूट चाट बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1/2 कप पानी है, इसमें हम शामिल कर रहे हैं, ये देखिए 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून हो गया। ठीक है, कॉर्नफ्लावर, अब इसको अच्छी तरह से हम कर रहे हैं मिक्स पानी में, फटाफट कस्टर्ड की तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दूध में शामिल करेंगे। ठीक है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए दूध बॉईल हो रहा है, इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करती जा रही हूँ कॉर्नफ्लावर और मिलाती जा रही हूँ। ठीक है, तमाम ये इसमें शामिल कर दिया मैंने और आपके सामने ये हो चुका है। ठीक, ये देखिए क्रीमी हो चुका है। इसमें हम क्रीम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि क्रीम पैकेट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, रोज़ हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसको हमने क्रीमी कॉर्नफ्लावर पेस्ट बनाया है और ये हम शामिल करेंगे फ्रूट चाट में ठंडा करके। ठीक है, चलिए ये देखिए, बस इतना इसको, ये देखिए इतनी थिक करनी है। ठीक है, इसका बस अब हम चूल्हा कर रहे हैं बंद और अब तमाम फ्रूट्स को काटेंगे और फिर आपको ये ठंडा करके फ्रूट में शामिल करके मिलाकर और दिखाएंगे किस तरह टेस्टी और यमी फ्रूट चाट बनेगी। ये है फाक भी बनाई है और गोल भी। ठीक है, और ये है खरबूजा, जिसको जो जो फ्रूट पसंद है और जिसकी जितनी क्वांटिटी डालनी है हर इंसान अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका तमाम प्रोसेस, ये देखिए एक डिश ले ली है मैंने, इसमें डाल लिया है खरबूजा। ठीक है, इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ केले, ये देखिए। ठीक है, और हाँ ये देखिए कॉर्नफ्लावर मैंने इस तरह से बड़े थाल में डाल के और ठंडा कर लिया है ताकि फटाफट आपको बना पूरी तैयारी करके दिखा सकूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें ये चीकू जाएंगे। डिफरेंट फ्रूट चाट बनाती हूँ मैं, तमाम आपको रेसिपीज़ अलग अलग फ्रूट्स की बताऊँगी। ठीक है, अभी ये वाली रेसिपी है। ठीक है, ये देखिए तमाम फ्रूट डाल दिए हैं मैंने इसमें। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी ये कॉर्नफ्लावर इसमें। जब आपके पास ना हो क्रीम और ना ही हो कस्टर्ड तो आप बनाइए कॉर्नफ्लावर वाली टेस्टी और यमी फ्रूट चाट। ठीक है, अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, ये देखिए ये हो गई मिक्स, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, जिसको ज़्यादा टेस्ट पसंद है वो ज़्यादा डालिए, जिसे कम पसंद है वो कम डालिए। ठीक है, ये देखिए मैंने तमाम इसमें शामिल कर ली और अच्छी तरह से आप इसको कर दिया हमने मिक्स। ठीक है, ये है मीठी चाट, तीखी भी बनती है, चटपटी भी बनती है, मसाले वाली क्रीम वाली भी बनती है, दूध वाली भी बनती है, कस्टर्ड वाली भी बनती है, तमाम आपको एक एक सिखाऊंगी मैं। ठीक है, अभी हम इसको करने लगे हैं गार्निश। ठीक है, पूरी गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रूट चाट मैंने कर ली है गार्निश, आप भी इसी तरह फ्लावर बनाइए। ये देखिए खूबसूरत सा चीकू का और बनाना का, और साइडों में चीकू लगाइए, बहुत खूबसूरत फ्रूट चाट बनी है और टेस्टी भी है, खूबसूरत भी और खूबसूरत भी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।